समझा समझें काहे कि समय कम है, रोज कितनों भी परिश्रम करेंगे तो सब गांव नहीं जा पाएंगे, सब टोला मोहल्ला नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भी मोर्चा है, किसान मोर्चा, प्रकोष्ठ, सब लोग अपने को राधा श्याम राठिया समझ के कमल छाप के लिए वोट मांगे 7 मई को। सबका लोकतंत्र में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है एक वोट की, उसके लिए आशीर्वाद मांगे। आज कांग्रेस को मजा चखाना है। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा जनादेश मिला था कांग्रेस पार्टी की सरकार को, 70-71 सीट तक इनके पास बाद में उपचुनाव जीतने के बाद हो गया था। 36 बड़े बड़े वादा किए थे, लोक लुभावन वादा। 5 साल इनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किए, एक वादा पूरा नहीं किए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार बार ललकारता था भूपेश बघेल को कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो 100%, तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ 36 वादा में। और इसीलिए 2023 के विधानसभा में उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आज पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खूब उन्होंने लूटा, कांग्रेस की सरकार ने लूटा, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया। क्या क्या में भ्रष्टाचार नहीं किए, कोयला में भ्रष्टाचार, 25 रूपया प्रति टन अलग से भूपेश टैक्स लगता था, और ऑनलाइन जो ऑर्डर जारी होता था उसको ऑफलाइन कर दिए थे, ताकि मतलब बेईमानी करने का उसमें रास्ता निकल जाए। लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए, उनका ऑफलाइन खत्म करके फिर ऑनलाइन कर दिए। आज कोयला भ्रष्टाचार में इनका बड़ा नेता सूर्यकांत तिवारी आज 6 महीना साल भर से जेल में मच्छर काट रहे हैं उसको। आज रेत में घोटाला, दारू में घोटाला, दारू का दुकान में दो दो केस काउंटर, एक केस काउंटर का हिसाब सरकार के खजाने में और दूसरा केस काउंटर का हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाता था। पूरा कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ के दारू की अवैध वसूली, उससे पूरा पार्टी चली, सब चीज में घोटाला किए। आज कितने कांग्रेस के नेता आज सौम्या चौरसिया और भी कई आईएएस जो अधिकारी भ्रष्टाचार में इनका सहयोग करते थे, आज सब जेल में हैं, गद्दा में सोने वाले फर्श में कंबल बिछा के सो रहे हैं, पंखा में सो रहे हैं।